नमस्कार सभी को। एंड एथलेटिक्स में एक ही इवेंट में दो दो मेडल बहुत ही बड़ी बात होती है। धर्मवीर जी है विद गोल्ड मेडल, प्रणव जी विद सिल्वर मेडल, एंड उनके साथ अमित सरोहा जी है जो कि ये स्पोर्ट का पायनियर बोला जाता है, उनको लेजेंड है ऑफ द गेम। सर सभी से बात करेंगे। पहले धर्मवीर जी, गोल्ड मेडल इज ऑलवेज अ स्पेशल, फर्स्ट थॉट्स बोलिए बस। देखिए, हर एक प्लेयर का मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा सपना यही होता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। और आज ऊपर वाले की दया से, मेरे गुरु की के आशीर्वाद से, और जो मैं मेरे स्पोर्टिंग स्टाफ है जैसे आशीष हैं, ये मेरे कज़न हैं, इनकी मदद से मतलब आज ये हो पाया है, बड़ा खुशी का पल है। प्रणव जी, एक ही इवेंट में दो दो इंडियन फ्लैग ऊपर जा रहा था, सो वो मोमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि दो इंडियन फ्लैग एक ही इवेंट में जा रहे हैं, और अब जो बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी लगता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल हो गया है और इस गेम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो सबको अपनी गेम अपलिफ्ट करनी पड़ती है तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और आगे आने वाले टाइम में दो की जगह तीन भी इसमें फ्लैग आए तो बहुत खुशी होगी हमें। बहुत ही बढ़िया। अमित जी, सर आप इसी स्पोर्ट का पायनियर, जैसे मैंने पहले बोला था, आपने सभी को रास्ता दिखाया, आज आपको कैसा फील हो रहा है कि आप ही की सक्सेसर्स दो दो मेडल लाए? देखिए, मेरा सपना पूरा हुआ है क्योंकि मेरा इतना लंबा कैरियर है और हर जगह मैं मेडल जीत चुका हूँ। एक ये पोडियम ऐसा था, हर खिलाड़ी इसके लिए जीतता है। जैसे धर्मवीर ने भी कहा कि सपने में भी पैरा ओलंपिक का ही पोडियम दिखता है, और मैं चौथी बार यहाँ आया हूँ तो मैं पोडियम पे नहीं हूँ पर ये बच्चे पोडियम पे हैं। इससे बड़ी गुरुदक्षिणा मेरे लिए नहीं हो सकती कि मेरे सामने मैं इतिहास रचा पाया ना रचा पाया, मेरे बच्चों ने वो इतिहास बना। सर ये आज शिक्षक दिवस के दिन में ये और भी स्पेशल बना देता है, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ देखिए, ये और एक सरप्राइजेबल हो गया कि दिन भी आज ऐसा है कि धर्मवीर ने वो गुरु दक्षिणा दे दी मुझे, और इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी कि कोई भी कोच या कोई भी एथलीट मतलब उसी के लिए जीतता है और उसी के लिए मेहनत करता है, और हम उसमें कामयाब हुए हैं। और आगे मैं यही कहूँगा कि मैं लगा हुआ हूँ, मेरे से जो कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स के लिए मैं कर पाऊँगा वो अब तक भी किया है और आगे भी हम करेंगे। हम चाहेंगे कि आगे हमारे और एथलीट, क्योंकि ये बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है और इसमें घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है, तो हमारे साथ जो हमारी फैमिली के सपोर्ट, हमारे भाई जो लगे हुए हैं हमारी सपोर्टिंग टीम में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अमित को अमित सरोहा बनाने वाले ये लोग हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बगैर कुछ भी नहीं है। और कोशिश यही रहेगी कि और बच्चों को हम आगे लेके आएँ, जिस तरह धर्मवीर और प्रणव आए हैं, हमारी अपकमिंग और जनरेशन आगे आए, क्योंकि सदा कोई नहीं रहेगा। मैं 12 साल तक एशियन रिकॉर्ड मेरे नाम रहे और वो तोड़े, वो कभी धर्मवीर ने तोड़े कभी प्रणव ने तोड़े, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारे अपने बच्चे आज उस पोडियम पे हैं जो हमने स्ट्रगल किया था, और हमें ब्रेक करने वाले भी हमारे अपने तैयार किए हैं, तो इससे बड़ी खुशी मतलब मुझे नहीं लगता किसी कोच के या किसी साथी के लिए हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगा आपको बात सुन के। आखिरी का सवाल सर आप सबसे पूछना है, पहले आपसे पूछना है, ये आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है? मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि देश के लिए आया है मैडम, और बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है, तो थैंक्स। आप दोनों से भी एक ही सवाल कि जिनके साथ आपका जर्नी, ये सिर्फ एथलीट का जर्नी नहीं होता, ये पूरा आप सबका पूरा टीम का जर्नी है, सो जब ये मेडल्स आए तो तब कैसे लग रहा? सर ये मेरा बिग ब्रदर है, इससे बड़ी खुशी नहीं, मेरे भाई ने देश के लिए गोल्ड मेडल लिया, ठीक है, ये मेरे लिए प्राउड। ये मैं अमित के साथ शुरू से ही साथ में हूँ, और हम हर गेम में और कई देशों में मैं गया हूँ साथ में, मतलब हर गेम में भाई ने मेडल जीते हैं, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल या कि कोई भी मेडल जीतना एक सपना था जो अमित के चेले ने जीत के वो पूरा कर दिया। मुझे बहुत खुशी है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।